दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आरपीएफ का एग्जामिनेशन अभी रिलीज हुआ, नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। एग्जामिनेशन रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें हम लोग तीन क्वेश्चन देखेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, मीन्स एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या वो ग्रुप डी या टेक्नीशियन से ईजी होगा या उससे हार्ड होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी एग्जामिनेशन में। एक जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहला एग्ज़ाम होगा वो जो रिटर्न होगा, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियो और स्टडी मटेरियल रिलेटेड वीडियो, नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो मैं डेली प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो है तीन है। जनरल अवेयरनेस है जो 50 मार्क्स का रहेगा, अर्थमेटिक है वो 35 मार्क का आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो 35 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आपको 120 मार्क्स का आएगा और 120 क्वेश्चन भी रहेंगे, जो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, और उसमें आपको ये सारे सॉल्व करना है। उसके बाद है कि एग्ज़ाम का लेवल। दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो रेलवे का ग्रुप डी और टेक्नीशियन से आरपीएफ और एसआई के लिए ईजी होता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो होते हैं वो टेंथ स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन होंगे। जो भी टेंथ का होगा रिलेटेड होगा वो उससे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बट जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए वो थोड़ी हार्ड होगी। तो यदि आप ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी रेलवे सीबीटी रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो जो क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहले जो रीजनिंग जो जनरल अवेयरनेस में आएगा, अर्थमेटिक में आएगा, रीजनिंग से आएगा, और सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव मार्क आएगा। आपको सैंपल पेपर मैं प्रोवाइड करूँगा कुछ दिनों में, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हिज इज एप्लीकेशन टू द सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ द एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड जनरल साइंस। तो इस सारे टॉपिक से आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप लास्ट 6 मंथ का जनरल अवेयरनेस कीजिए, तो आप लास्ट मार्च के बाद से जनरल अवेयरनेस का आप कोई भी इवेंट होता है तो उसको याद रखिए, तो आप इजीली जनरल अवेयरनेस का सेक्शन क्रैक कर लेंगे। उसके बाद है अर्थमेटिक, जो कि एक मैथ के अंदर आता है, वो है क्वेश्चन ऑन द नंबर सिस्टम, होल सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं दोस्तों मैथ का और रीजनिंग का दोनों का मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ अपने चैनल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। मैं बहुत सारे टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और यहाँ पे देख रहे थे रीजनिंग फॉर द रेलवे एग्जामिनेशन। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को आप वन बाय वन देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि क्वेश्चन वो एनालॉजी से आएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस से आएगा, पार्शियल विजुलाइजेशन से आएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, साइलोलॉजिस्ट रीजनिंग। तो दोस्तों ये बेसिक ये तीनों क्वेश्चन का आपको मैं जवाब दे दिया। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का
लेवल क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड करके आपको स्पेशली RPF और SI के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।